एबीसी न्यूज चैनल और हिंदी दैनिक नागपुर मेट्रो समाचार द्वारा पर्यावरण और सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से की गई है, जिसके तहत राष्ट्र संत तुकड़ोजी चौक से क्रीडा चौक तक के रास्तों के डिवाइडर के बीच में पेड़ लगाकर तिरंगे की तीन रंगों से विद्युत रोशनाई से सौंदर्यीकरण किया गया है। ये काफी काबिले तारीफ है। इस उपक्रम को बीसी न्यूज चैनल और हिंदी दैनिक नागपुर मेट्रो समाचार की ओर से जारी की गई है। साथ ही ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, ऐसी अपेक्षा जिलाधिकारी आर विमला ने बीसी न्यूज चैनल और दैनिक नागपुर मेट्रो समाचार को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की शुभकामनाओं के साथ ही साथ आगे के कार्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तुकड़ोजी स्क्वायर से क्रीडा चौक तक ये जो लाइटिंग और हरियाली आप देख रहे हैं, वो हमारे एनबीसी न्यूज और नागपुर मेट्रो समाचार के CMD माननीय सिराज शेख इनके सहयोग से ही किया गया है। ये हरियाली और रोशनाई आगे भी निरंतर आपके लिए ऐसे ही यूं ही बरकरार रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। साथ ही इस दौरान हमारा आप जनता से भी वादा है कि इस हरियाली को यूं ही बरकरार रखने में हमें सहयोग करें। नमस्कार। नमस्कार, मी आर विमला, नागपूरची जिल्हाधिकारी बोलत आहे आणि आपल्याला अमृत महोत्सवाचा स्वतंत्रता दिवसाचं मनपूर्वक शुभेच्छा देते। भारताचे आपण नागरिक आहोत आणि जे स्वतंत्रता आपल्याला परिश्रम करून आपल्या थोर व्यक्तींनी मिळवून दिलेलं आहे, फाळणीचीही आपण आठवण करू, ते स्मृती दिन म्हणून साजरा करून उद्याचा दिवस 15 ऑगस्ट खूप गौरवाने आणि अभिमानाने साजरा करू। आपल्या सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा। बीसी न्यूजची मी खूप आभारी की त्यांनी तुकडोजी चौक ते क्रीडा संकुलापर्यंत जे रोषणाई केलेली आहे तिरंग्याची, त्याच्यामुळे आपल्या ह्या रस्त्याचं एक खूपच सुंदर वेगळं स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळालं आहे आणि तिरंगाची शानसुद्धा आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळाली। मी त्यांचे खूप मनपूर्वक आभारी आहे आणि असंच त्यांचं सहकार्य पुढे लाभू दे अशी शुभेच्छा त्यांना देते। खूप खूप धन्यवाद। माझं नाव पूर्ण कृष्णा लक्ष्मीजी कांतोडे, क्रीडा चौक ईश्वर देशमुख कॉलेजच्या समोर मी 12 वर्षापासून पूर्ण ठेला लावत आहे। एक वेळ अशी होती का इथे काहीच नव्हतं, BCNवाले सिराज सर यांच्या माध्यमातून पाहिलं आम्ही तर इथे आधी काही नव्हतं, सगळं असं होतं। आता सगळं असं वाटते की इथं 15 ऑगस्ट रोज असं असल्याप्रमाणे वाटते। छान लाईटिंग लागलेली आहे, छान खांब्याचे पोल लावलेले आहे। मी 12 वर्षाआधी पाहिलं तर इथं पाहिजे तेवढं काही नव्हतं, पण आता तेव्हापासून पाहत होतं इथं खूप छान वाटते। माझ्या पाणीपुरीचं आईगं नाव आहे, आईगं पाणीपुरीवाला माझ्याकडे खूप लांबून लोकं येतात, विचार करतात की क्रीडा चौक आता दोन गोष्टीने ओळखल्या जाते, बिग BCNचे ओनर सिहा सर यांच्या नावाने आणि क्रीडा चौकामध्ये आईगं पाणीपुरीवाला या नावाने। जी काफी अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा BCN को मेरी ओर से और मेरे स्टाफ की तरफ से, कि जो आज 75वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में जो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जो लाइटिंग किया गया है वो काफ़ी बेहतरीन और देखने लायक है। इस एरिया में काफ़ी नाम होगा इस लाइटिंग की वजह से, काफ़ी एरिया में भी इस तरह की लाइटिंग करना चाहिए, यही हम चाहते हैं। और जिस तरह की यहाँ पे हरियाली झाड़ लगाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से आपने जो झाड़ लगाए लाइटिंग करे, काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसा हर एरिया में हर नगर सेवक ने, हर जैसा सिराज सर ने करे इस एरिया में तुकड़ोजी स्क्वायर से लेके क्रीडा चौक तक, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी यहाँ पे स्वतंत्र दिन का नया माहौल तैयार हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो BCN ग्रुप और आपकी सभी टीम जिन्होंने ये संकल्पना की, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी तो घर घर तिरंगा का जो एक कंसेप्ट चल रहा है, पर मुझे, हम पूरे विदर्भ में घूमते हैं और कैंपिंग करते हैं, यहाँ पर तो गए साल भर से घर घर तिरंगा का एक हमें दर्शाता है। पूरे नागपुर शहर में एक मावय तुकोजी पुतला चौक अपना और विमा हॉस्पिटल एक मैच ऐसा चौक है कि आकर तिरंगा का लहरा है। और हमें
जो तिरंगा का इसमें जो रंग है केसरिया रंग है, उसके बाद में सफ़ेद रंग है, हरा रंग है, ये अलग अलग इसमें अपने महत्व है। इसी प्रकार जैसा केसरिया रंग त्याग और बलिदान का है, उसी प्रकार सफ़ेद रंग शांति और एकता का प्रतीक है, और हरा रंग जो विश्वास है विश्व का प्रतीक है। मुझे बताते हुए हर्ष होगा और विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी उसको मन में हमेशा के लिए सामाजिक एकता और मन में पूरे देश के प्रति उनकी भावना जागृत होंगी, ऐसे मुझे विश्वास है। और BCN ग्रुप जो काम करते हैं हमेशा सामाजिक कार्य में और धार्मिक अनेक सामाजिक शैक्षणिक और अनेक काम में अग्रसर रहता है, और उसी प्रकार उन्होंने वृक्षारोपण भी किया है पूरे नागपुर शहर में अनेक सामाजिक संगठन के द्वारा वृक्षारोपण पर, लेकिन वो देखभाल नहीं करते। इन्होंने मैंने देखा जाते जाते समय कि जिस धुपकाले के समय खुद इनके यहाँ के जो भी रिपोर्टर है वो खुद आके यहाँ पर उनको पानी डालते थे। ऐसे बहुत कमी लोगों में उनके प्रति ने क्या मुझे भावना कमी लोगों में निर्माण रहती है, और ऐसा प्रेम जैसे अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण करते हैं अपन, उसी प्रकार इन्होंने यहाँ के जो वृक्ष है अपने घर के बाल बच्चे समझ के इन्होंने इनकी देखभाल की है। मैं हमारे सार्थक बौद्धिक संस्था द्वारा इन BCN और BTG ग्रुप का इन्होंने जो कंसेप्ट यहाँ पर शुरू किया है लाइटिंग के रूप में, अभी एक साल होते आ रहे हैं 15 अगस्त के दिन पे, तो उनको मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। और सभी ने ऐसा मैं यहाँ पर इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक आपको भी निवेदन करता हूँ कि आपने साथ में आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके शादी के जो भी सालगिरह एक कंसेप्ट रहता है आपने अपने घर में आजू बाजू में परिसर में एक वृक्ष लगाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका आने का क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का जो संभावना है कमी ना हो। सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर एक शपथ लीजिए कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में जो भी अपने शुभ कार्य रहते कि सबने एक एक झाड़ लगाना चाहिए, और इस 15 अगस्त के दिन आपने शपथ लेना चाहिए। और सभी को मैं आने वाले स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी ने तिरंगा का भी सबने मान सम्मान के साथ में लड़ाते हुए लड़ाना चाहिए, और उसके मान सम्मान के साथ में उसका नहीं सब जो नियम दिए नियम का पालन भी करना चाहिए। पुनश्चा सबको आने वाले अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।